Hi students, a warm welcome to all of you. Today I am going to discuss which are the VVI questions for English Honours Semester 2, Session 2021-24, Core Course 3. तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन-कौन से VVI questions हैं इस साल आने वाले. चलिए हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले short notes लिखना आता है. यूनिट वन से तो ये चार क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, 10-10 मार्क्स के, 40 मार्क्स के. और पहला क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 10 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे. लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहां नहीं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं जिसको आपको लिखना है एज अ शॉर्ट नोट्स. चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूनिट वन से आने वाले हैं. डिस्कस द डिफरेंट फेजेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री. तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री के कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. और डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री के क्या क्या विशेषताएं हैं. और फोकस ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी स्वतंत्रता के बाद इंडियन इंग्लिश पोएट्री की क्या खासियत है उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको शॉर्ट नोट लिखना है. क्वेश्चन नंबर टू जो कि शॉर्ट स्टोरी से आ सकता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी. तो इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स क्या हैं इस पर शॉर्ट नोट लिखना है. और हाउ डिड इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी गेट पॉपुलराइज्ड, इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कैसे बहुत पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ. डिस्कस द रोल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. तो इंडिया में जो इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले जो राइटर्स थे उनके रोल को आपको लिखना है और उनके कंट्रीब्यूशन को बताना है. राइट, व्हाट आर द बेसिक थीम्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एक्सप्लेन. कौन कौन से बेसिक थीम्स रहे हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, ये लिखना है. और हाउ डिड इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर कैसे फ्लरिश हुआ उस पर एक ब्रीफ नोट लिखना है. क्वेश्चन नंबर फोर, राइट शॉर्ट नोट ऑन द थीम्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स कौन कौन से थीम्स पे लिखे गए उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. और हु आर कॉल्ड द पायनियर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स के प्रणेता किन्हें माना जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट. क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश ड्रामा एंड इट्स फीचर्स, इंडियन इंग्लिश ड्रामा के क्या क्या विशेषताएं हैं ये लिखना है. और एग्जामिन क्रिटिकली द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑन इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इंडियन इंग्लिश ड्रामा पर राजनीतिक प्रभाव क्या देखा गया, कौन कौन से प्रभाव के कारण इंग्लिश ड्रामा प्रभावित हुआ है इंडिया का, उसके बारे में क्रिटिकली एग्जामिन करना है. राइट, सो ये यूनिट वन से हैं. अब यूनिट टू से जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं, दो क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं किन्हीं दो यूनिट से, ठीक है. और आपके पास यूनिट टू, थ्री एंड फोर, तीन यूनिट्स हैं इसके लिए. चलिए देखते हैं यूनिट टू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं द गाइड से. राइट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द गाइड एज अ रिप्रेजेंटेटिव नॉवेल ऑफ आर के नारायण. आर के नारायण का जो द गाइड है कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव नॉवेल है इसको डिस्कस करना है, इवैल्यूएट करना है क्रिटिकली. और क्रिटिकली इवैल्यूएट द कैरेक्टर ऑफ राजू. कैरेक्टर ऑफ राजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार रोजी का कैरेक्टर आया था. और द गाइड इज अ नॉवेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट राजू. किस प्रकार यहां पर राजू के चरित्र का परिवर्तन दिखाया गया है इस नॉवेल में, गाइड में, इसको डिस्कस करना है. और मार्को एंड रोजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ राजू इन द नॉवेल, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स. मार्को और रोजी का क्या रोल रहा है राजू के जीवन में इस नॉवेल में, इसको अपने शब्दों में डिस्कस करना है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं द गाइड से, यानी यूनिट टू से. अब हम लोग यूनिट थ्री देखते हैं. हाउ डज नागामंडला शो अ मिरर ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ वुमेन कंडीशन. भारतीय समाज में नारी की स्थिति को लेकर एक तरह से दर्पण दिखाया गया है नागामंडला की मदद से, गिरीश कर्नाड के द्वारा, इसको डिस्कस करना है. और डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले नागामंडला बाय गिरीश कर्नाड. तो नागामंडला का मेन थीम क्या है उसको डिस्कस करना है. और क्रिटिकली इवैल्यूएट द कैरेक्टर ऑफ रानी और अपन्ना. रानी या अपन्ना के कैरेक्टर को आप तैयार कर लेंगे. और डिस्कस द रोल ऑफ नागा इन रानीज लाइफ इन द ड्रामा.
किस प्रकार नागा रानी की जिंदगी में एक रोल प्ले करता है इस ड्रामा में, इसको डिस्कस करना है, राइट। अब यूनिट 4 में देखते हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेरोजियो और सरोजिनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इंडियन इंग्लिश पोइट्री में HLV डेरोजियो और सरोजिनी नायडू का क्या योगदान है, इसको डिस्कस करें, और क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोइट्री ऑफ कमला दास और जयंत महापात्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। चलिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। जल्दी ही आपको नेक्स्ट पेपर यानी SCC कोड 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा। धन्यवाद।